यहाँ पर आपको तीन चीजें मिलेंगी, पाताल गंगा, सीता कुंड और सीता सीज। वो मेरे इस तरफ है ये भाई पाताल गंगा। यहाँ तक वहां से ऐसे देखो तो जैसे दूध दिखा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आराम आसान काम है भाई, आसान तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये रंग महल है भाई साहब, देखो मेरे पीछे। कल रात को अंधेरा हो गया था, कल यहाँ पे स्टे किया था मैंने, यहीं पे खाना खाया था और यहीं पे रुका था। बहुत अच्छी जगह है, अगर आप इस तरफ से निकलो तो यहाँ पे रुक सकते हो और खाना खा सकते हो। इसका नाम है मिलन रेस्टोरेंट, मिलन मित्र रेस्टोरेंट। ये यहाँ मेरी बाइक खड़ी है और यहाँ पे मैंने कैंपिंग की थी। और ये रेस्टोरेंट है, ये यहाँ पे किचन है। तो चलो अभी सामान पैक करते हैं और निकलते हैं चित्रकूट के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 13 नवंबर 2020 और सुबह के टाइम हुआ है 6:30। ये सारा टाइगर रिजर्व एरिया है, वहीं पे मैंने कैंपिंग की थी। अभी आप मेरे सामने देख सकते हो पूरा जंगल है, बिल्कुल जंगल, जिसको घाटी बोलते हैं। चित्रकूट लेफ्ट हैंड को, कलिंजर फोर्ट राइट हैंड को, तो हम जा रहे हैं इस तरफ। ये अजयगढ़ की तरफ जा रहा है दूसरे साइड वाला, और इधर कलिंजर की तरफ, तो हम जा रहे हैं कलिंजर फोर्ट। ये दो रास्ते हैं यहाँ पे, एक पैदल जाने के लिए, एक बाइक वालों के लिए। ओके, कलिंजर दुर्ग, किले को दुर्ग बोलते हैं क्या? किला तो बोलते हैं। ये भाई मेन रोड से इस तरफ रोड जा रहा है, जिससे आप कलिंजर फोर्ट पे, किले पे जा सकते हो। और जो पीछे किला यही है अंदर, बाइक यहीं तक आएगी, अंदर जाएगी। कितने रुपए की है ये? यहाँ से मेन एंट्री गेट है, जहाँ से आपकी टिकट चेक होती है। अगर टैक अभी तो ऑनलाइन चल रहा सिस्टम, अगर ऑनलाइन नहीं चलता तो नीचे से टिकट लेके आनी पड़ती, तो दिक्कत हो जाती। यहाँ पर ऊपर रेंज नहीं आती, तो अगर आप यहाँ पे ऊपर आ रहे हैं तो सबसे पहले नीचे से ही, जो एक कलिंजर गांव है नीचे, वहीं से अपनी टिकट ऑनलाइन बुक कर लें। सभी की ESI ऑनलाइन टिकट के नाम से है, उससे अपनी टिकट ऑनलाइन बुक कर ले, या तो मैं लिंक नीचे दे दूँगा। 25 रुपये की टिकट है, आप करोगे तो 5 रुपये डिस्काउंट मिलता है, 20 रुपये की टिकट पड़ेगी। यहाँ पर आपको तीन चीज़ें मिलेंगी, पाताल गंगा, सीता कुंड और सीता सीज। वो मेरे इस तरफ है, स्टार्टिंग में ही 100 से 200 मीटर अंदर चलते ही मेन गेट से। चलो पहले उसको देखते हैं, लेकिन सारा जंगल दिखाई दे यार, कुछ मिल ना जाए। जैसे पीछे लंगूर बंदर मिल गए थे बहुत सारे। यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा थोड़ा सा शायद। व्यू देखो यार, जबरदस्त व्यू है नीचे का, अगर आप देख पा रहे हो तो। ये यहाँ पे सीता सेज, यहाँ पे सीता माँ सोती थी अंदर। चलो जिसका रास्ता दिखाते हैं आपको, ये वैसे तो पहाड़ है, ये यहाँ पे सोती थी। ये यहाँ पे सीता मैया सोती थी। तीन चीज है ना यहाँ पे, एक पाताल गंगा वो है, और फिर एक चीज और थी ना, एक चीज और है लेकिन इधर रास्ता है, रास्ता ठीक नहीं, रास्ता ठीक नहीं। अभी यहाँ पे पाताल गंगा है, वो देखने जा रहे हैं, नीचे है थोड़ा सा। ये भाई पाताल गंगा जी। पानी ठंडा है? हाँ, ठंडा नहीं है उतना, ठंडा नहीं है। ये पानी कहाँ से आता है पता आपको? पानी कोई पता नहीं भैया, कोई पता नहीं, नहीं। हिल डुल भी नहीं रहा बिल्कुल भी? नहीं नहीं नहीं, बहुत दूरी तक ये गहरा दिखा रहा था। बहुत गहरा है? हाँ। नीचे भी गहरा होगा? हाँ, गहरा नीचे भी है। पानी भी साफ है बिल्कुल, वैसे बिल्कुल तो साफ, बिल्कुल निर्मल पानी, जैसे दूध दिखा रहा है। हाँ जी, यहाँ तक वहाँ से ऐसे देखो जैसे दूध दिखा रहा है, कोई था नहीं पानी। ये है पाताल गंगा, पानी ला दो।
एक तीसरा और था लेकिन उसका रास्ता दूसरी साइड से बता रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, इतना देख लिया, वापस पहाड़ से चढ़ते हैं। ये ऐसे कुछ चढ़ने के लिए होगा आपको, चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जल्दी जल्दी घुमाएंगे क्योंकि टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है। ये हम लोगों ने अभी दो चीज देख ली, तीन चीज थी लेकिन तीसरे का रास्ता नहीं पता था। अभी और बाकी की चीजें देखने जा रहे हैं। ये सामने पॉइंट आ गए हैं, देखो बड़ा गेट, बड़ा दरवाजा, चौबे महल और मध्यकालीन और कब्र उस तरफ है। तो पहले ये दो चीजें जो दिख रही हैं वो इस तरफ देखने चलते हैं, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। एक शायद ये है मेरे पीछे और दूसरी वो है। ये मेन एंट्रेंस गेट है ये पीछे, और जो मेन एंट्रेंस गेट है वो ये है, ऐसा कुछ एक इसके ऊपर बना रखा। सीढ़ियां इस तरफ से हैं, कुछ ऊपर देखने के लिए भी है, वो देख रहे हैं ऊपर क्या है। अभी हम जो देखने जा रहे हैं ये चौबे महल है, इसके बारे में अगर कुछ पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हो क्योंकि गाइड यहाँ पे हमने किया नहीं है। बाकी ये महल कुछ ऐसा दिखता है, ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है, ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है। ये ऐसा कुछ है, ये सामने से भी है और इस तरफ से टूटा हुआ है। ये ऐसा कुछ इस तरफ से है, बंदर राज है, हर तरफ लंगूर बंदर हैं और अकेला घूम रहा हूँ यहाँ पे, है कोई है नहीं तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, टाइम भी बहुत कम है क्योंकि चित्रकूट जाना है आज, कल अयोध्या पहुँचना है। तो जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी घुमाएंगे। यहाँ की एक खासियत ये है कि आप यहाँ पर बाइक से घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपनी बाइक पीछे वो खड़ी है, सामान रखा, एक बार उस तरफ घूमे, एक बार उस तरफ घूमे, कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ेगी, कुछ सीढ़ियाँ नीचे चढ़ ऊपर चढ़नी पड़ेगी, ऐसा कुछ बता रहे थे। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने दो पॉइंट कर लिए, एक दरवाज़ा, बड़ा दरवाज़ा कर लिया है, एक चौबे महल कर लिया है। इसके बाद एक पॉइंट रहता है मकबरा उड़कर मध्यकालीन की, वो उस तरफ है पीछे, आगे से मिलेगी तभी देखें, तब तक चलते हैं। इस पॉइंट पर आपको तीन चीज़ मिलेंगी मेरे पीछे हैं, वेंकट बिहारी मंदिर और रानी महल, और जो उस तरफ है वो है नीलकंठ मंदिर। तो पहले वेंकट बिहारी और रानी महल देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे नीलकंठ मंदिर। जो मैंने सुना था यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फेमस था वो नीलकंठ मंदिर बता रहे थे, तो एक बार ये भी देख लेते हैं। अगर इतनी दूर आए हैं तो एक घंटा तो देना बनता है, उसके बाद चित्रकूट भी चले जाएँगे। यहाँ से शायद एक से डेढ़ घंटा चित्रकूट चलेगा, रास्ता कुछ ऐसा ऊपर जाने के लिए। साइड व्यू कुछ ऐसा है, एक बार वेंकट बिहारी के बारे में बता देते हैं क्या क्या है, उसके बाद दिखाते हैं। छोटी छोटी छतरियां बनाई गई हैं, शैलीगत विशेषता के आधार पर 17वीं से 18वीं शताब्दी में बनाया गया है। ये कुछ अंदर से ऐसा है, अंदर से कुछ ऐसा है, सामने भी ऐसा ही है। बंदा कोई भी नहीं है, लंगूर बंदर मिल सकते हैं और कुछ मिल सकता है। तो मैं ज्यादा अंदर तक जाऊंगा नहीं, जितना हो सकेगा थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये चीज है बस। ये साइड में रानी महल है, एक बार इसका व्यू देख लो, ये तो खंडहर हो रखा यार। बिल्कुल खंड रहे, तो
ये रानी महल है, ऊपर से बिल्कुल सारा टूटा हुआ है, खंडर टाइप में बना हुआ है। रानी महल हो गया, वेंकटेश्वर मंदिर हो गया, ये पीछे भी है, इसी का हिस्सा है क्योंकि उसी से टच है, कनेक्टेड है। तो ये सारा रानी महल है, नीलकंठ मंदिर। अभी हम पहुंच गए हैं नीलकंठ मंदिर, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये मेन एंट्रेंस गेट है कुछ ऐसा, यहाँ से हमें एंटर करना है। व्यू कुछ ऐसा है यहाँ से ऊपर से देखने पर। और अब यहाँ से हमें नीचे उतरना पड़ेगा सीढ़ियों से, तो चलो नीचे जा रहे हैं। देखो ऐसा कुछ रास्ता है, कितनी सीढ़ियाँ हैं कोई आइडिया नहीं है। सीढ़ियाँ भी बिल्कुल एकदम से ढलान में है, देखो यहाँ पे जूते उतार देते हैं और चलते हैं, फिर देखते हैं। एक ये यहाँ पे है नंदी का टेम्पल शायद। हनुमान मंदिर उस तरफ, स्वर्णरोह मंदिर और काल भैरव मंदिर इस तरफ। यहाँ पे मूर्तियां लगी हुई हैं, इसके अंदर देख सकते हो, ये मेन मंदिर है यहाँ पे। ये मेरे पीछे नीलकंठ मंदिर, अगर आप ये सोच रहे हो कि आसान काम है, भाई आसान तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। देख सकते हो कितनी नीचे है वहाँ पे मंदिर है, और चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है यार, हालत ख़राब हो जाती है और रुक भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे जाना है अयोध्या, तो रुक नहीं सकते, कंटिन्यू चल रहे और चलते रहेंगे, जो जो दिखा सकते हैं वो दिखा पाएंगे। यहाँ पर एक नहाने के लिए तालाब बना हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, तो हम भी नहा लेते हैं। ओए राम, फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे, एक बार यहाँ नहा लेते हैं 10-15 मिनट। पानी तो यार ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है।
चलो चल ही पड़ते हैं फिर, तो नहाते नहीं है, नहीं तो नहाने का प्लान था। पानी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। एक वो मंदिर है, एक वो है, वो देखते हैं फिर चलते हैं। रंग महल के नाम से प्रसिद्ध यह भवन कालिंजर के अत्यंत महत्वपूर्ण महलों में से एक है। संभवतः चित्रों के अंकन के कारण इसका नाम रंग महल पड़ गया था। यह रंग महल है भाई साहब, देखो मेरे पीछे, एक बार अंदर का छोटा सा व्यू दिखा देते हैं। ये ऐसा कुछ है, सारे खंडर पड़े हैं, कोई इनके बारे में बताए तो हमें पता भी चले और लगे कि हाँ ये चीज देखने की है, नहीं देखने की है। अब ऐसे कुछ घूमने का कुछ फायदा नहीं भाई, चलो वापस चल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। बाय। ये राजा मानसिंह महल है भाई, ये देख लो, बस ये बिल्डिंग है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दरवाजे बंद है, गेट बंद है, बस बता दिया राजा मानसिंह महल है, क्या बोर्ड चिपका दिया, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये है, उससे अलग ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस बिल्डिंग है। ऐसे सेम मिलती जुलती ऐसी तो नहीं होगी, ये तो बहुत अच्छी बनाई हुई है। हमारे गाँव में चौपाड़ है, वो भी अच्छी है, ऐसी लगती है, वो भी पुरानी पुरानी, बहुत सालों पुरानी है, कुछ तो नई भी कर दी, लेकिन जो गांव में चौपाड़ होती ना वैसे कुछ बना रखा भाई। यार कुछ लिखा होता, कुछ पता होता तो पढ़ने में देखने में मजा आता, ये खाली बिल्डिंग बना रखी, क्या देखें यार, कुछ नहीं भाई। मंदिर अच्छा था, कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब ये ऐसी चीज़ें मिलती ना, गेट बंद होता है, बात थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चिपका दी जाती है उसके बारे में, और कुछ नहीं दिखा देते यार। महल अंदर से दिखाओ, कमरे वमरे दिखाओ, कैसे रहना था, खाना था, क्या था उनका, कुछ तो बताओ उनके बारे में। चलो चल रहे हैं। ये हम भाई ऊपर से नीचे उतर गए हैं कलिरंजन फोर्ट से, अब जा रहे हैं चित्रकूट के लिए, जो यहाँ से 60 किलोमीटर बता रहा है, जिसमें हमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि हमें पेट्रोल भी डलवाना है। नदी क्रॉस करने के लिए ट्रैक्टर में बाइक लेके जानी पड़ेगी। नदी क्रॉस करते हुए यूपी में गिर गई साइकिल, साइकिल गिर गई। बस 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 भाई धन्यवाद। ये यहाँ से ऐसे गांव हैं, खतरनाक एक्सपीरियंस रहा है। अभी बाइक को आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, गाड़ी को निकाल सकते हो, बाइक निकालने के लिए यहाँ पे ट्रैक्टर लगा रखा है। पहले 10-10 रुपए लेते थे गांव वालों से, भी गांव वालों ने शिकायत कर दी तो सरपंच ने चला रखा है। पुल क्यों नहीं बना रहे यार, पता नहीं, डेली ट्रैक्टर चलता, डेली ये कह रहे हैं साल में 10 महीने ट्रैक्टर चलता है, और कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना कोई कर रहा कुछ काम। ये कोई बांध बता रहे हैं, उस बांध का पानी है, कोई नदी गुजर रही होगी पास से तो उसका पानी है यार। इतनी देर वेट करो, फिर बाइक को चढ़ाओ, वापस उतारो, पंगा यार। सरपंच इतना तो बनवा ही सकता शायद, पता नहीं यार, लेकिन अलग एक्सपीरियंस था। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने पहले एक बार गोवा में लिया था। 4 से 5 किलोमीटर दूर हैं अभी चित्रकूट से,